वेलकम बच्चों, आज हम टॉपिक लेके आए हैं टेम्परेचर। और टेम्परेचर जो है वो किन स्केल्स पर मेजर किया जाता है, मतलब आपने सुना होगा या देखा होगा कि जब आपको फीवर आता है तो आप जो है टेम्परेचर मेजर करते हैं थर्मामीटर के थ्रू। वो जो थर्मामीटर है वो एक वैल्यू देता है आपको, लेकिन उसके पीछे की यूनिट क्या है या हम बहुत लोग उसको जानने की कोशिश भी नहीं करते हैं। तो बेसिकली हमें आज ये देखना है कि टेम्परेचर जो है वो क्या होता है, उसका सेंस क्या है, और दूसरा जो टेम्परेचर है हमें वो क्या इंडिकेट करता है, और टेम्परेचर मेजरमेंट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो शुरू करने से पहले आपको मैं कुछ ये पिक्चर इमेज दिखाना चाह रहा हूँ जहाँ पर कितने टाइप्स के थर्मामीटर हो सकते हैं। देखिए, नॉर्मली हम थर्मामीटर उन्हीं को जानते हैं जो हमने देखा होता है। हमारे लिए एक वही थर्मामीटर होता है, या तो वो मरकरी वाला थर्मामीटर होगा या वो डिजिटल वाला थर्मामीटर होगा जहाँ पर वो कुछ वैल्यूज़ निकल के आ रही होती हैं। ऐसा नहीं है कि दो ही टाइप के थर्मामीटर यूज़ होते हैं, थर्मामीटर कई तरीके के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन की वो किस जगह पर यूज़ किए जा रहे हैं। यहाँ पर ये वो थर्मामीटर दिखा रहा है जो बहुत ही कॉमन थर्मामीटर है, जिसको हम बोलते हैं मरकरी थर्मामीटर। इसमें क्या होता है, यहाँ पर मरकरी भरा होता है। ये आपको पता होना चाहिए, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। तो यहाँ पर मरकरी जो है वो फिल होता है, और ये वाला एंड जब हम जो है किसका किसी बॉडी का अगर हमें टेम्परेचर मेजर करना होता है तो इस पर्टिकुलर पोर्शन को हम उस बॉडी के कांटेक्ट में लेके आते हैं। और जैसे ही हम कांटेक्ट में लेके आते हैं तो क्या होता है, उसकी जो हीट है, जो हीटेड बॉडी है, वो क्या करता है, अपनी हीट का ट्रांसफ़र के दूसरे थर्मामीटर के जो बल्ब बोलते हैं थर्मामीटर का, उसको ट्रांसफ़र करता है, जिसकी वजह से जो मरकरी है वो उसमें एक्सपेंशन होता है, उसका वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होता है। और वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन जो है, क्योंकि हम उसको क्या करते हैं, एक स्ट्रेट लाइन या स्ट्रेट टाइप ट्यूब में रखते हैं, तो यहाँ पर मान लो कोई मरकरी है तो ये एक्सपैंड होगा, एक्सपैंड होगा तो ये इधर की तरफ नहीं जा पाएगा, इधर तो एक क्लोज है, तो जब भी एक्सपैंड होगा तो ऊपर की तरफ ही होगा। तो जब भी किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो ये थर्मामीटर में जो मरकरी है वो हमें ऊपर जाते हुए दिखता है। थोड़ी देर के बाद, लगभग आप मानिए 1 मिनट या 1.5 मिनट के आसपास हम उसको रखते हैं, और उसके बाद जो हम वैल्यू को नोट कर लेते हैं। अगर आप तुरंत बॉडी के कांटेक्ट में रखेंगे और तुरंत नोट करना चाहेंगे तो नहीं वैल्यूज़ निकलती हैं करेक्ट, क्योंकि उस हीट को ट्रांसफ़र होने में भी कुछ टाइम लगता है। एक गर्म बॉडी है और एक ठंडी बॉडी है, तो होगा क्या कि गर्म बॉडी अपनी हीट ट्रांसफ़र करेगी ठंडी बॉडी को, लेकिन उसको ट्रांसफ़र करने में भी कुछ समय चाहिए। तो हम उसको एक उतना जो है टाइम देते हुए चलते हैं। कुछ इस तरीके के थर्मामीटर होते हैं, जैसे जो शेफ़ वगैरह होते हैं होटल इंडस्ट्री में, वो क्या करते हैं, किसी चीज़ को जब पकाते हैं तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। इसी तरीके से जो बहुत बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, जैसे मैकडी हो गया या KFC हो गया, यहाँ पर आप देखेंगे हर बार आपको जो चीज़ें मिलती हैं, जो सर्व की जाती हैं आपको खाने के लिए, उनका कलर और उनका टेक्सचर वो हर बार आपको एक ही मिलता है। कारण ये है कि वो वेरिएशन नहीं करते हैं टेम्परेचर में। तो उनको पता है कि अगर मेरे को 120 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मुझे ऑयल को बॉयल करना है और उतने ही बॉयलिंग टेम्परेचर पर मुझे पकाना है, तो वो टेम्परेचर को सेट करते हैं। लेकिन हमारे घरों में नहीं होता, हमारे घर में चीज़ें अंदाजे से चलती हैं, तो कभी कोई चीज़ ज़्यादा पक जाती है, कभी कोई चीज़ जो है वो कच्ची रह जाती है। तो ध्यान रखिए, टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और जो प्रोफेशनल रेस्टोरेंट हैं वो क्या करते हैं, इन चीज़ों को बिल्कुल बाकायदा ध्यान रखते हैं। इस तरीके के टेम्परेचर होते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो सेंट्रल एसी होता है, तो सेंट्रल एसी में क्या करते हैं, ये टेम्परेचर यहाँ पर इंडिकेट किया रहता है। कुछ इस तरीके के थर्मामीटर होते हैं, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट दिखा रहा है इसको क्या करते हैं, जो बॉडी है या जो ऑब्जेक्ट है उसमें हम उसको इंसर्ट करते हैं। मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, चिकन को या मटन को रोस्ट कर रहे हैं ओवन में या किसी और जगह पर, तो वहाँ पर एक्चुअली टेम्परेचर कितना है आप उसके थ्रू नोट करते हैं। या मान लो कि किसी केमिकल इंडस्ट्री में या किसी अल्कोहलिक इंडस्ट्री में, जहाँ पर अल्कोहल प्रोड्यूस होती है, मैन्युफैक्चर होती है,
वहाँ पर भी इस तरीके के थर्मामीटर यूज़ करते हैं जहाँ पर हम उसका पर्टिकुलर टेम्परेचर यूज़ देखते हैं कि भाई टेम्परेचर कितना हुआ है। ये तो हमें बहुत अच्छे से पता है, इसमें तो कुछ नहीं करना होता है। जो बहुत जिसको बिल्कुल भी नहीं पता होगा, जो लेमैन होगा, उसको भी पता है कि भाई जो रीडिंग आ जाएगी बस उसको पढ़ना आना चाहिए। वो क्या करेगा, यहाँ पर से वैल्यू को क्या कर दे, ये पढ़ लेता है। तो जो वैल्यू आती है वो यहाँ से रीड करके इंडिकेट कर लेता है। अच्छा, नॉर्मली हमको पता है कि जो फीवर होता है वो 98 या 99 या 99 के बियॉन्ड होता है। तो अगर वो डिजिटल थर्मामीटर में वैल्यू 99 हो गई, 99.5 हो गई, 100 हो गई, तो हम एक अंदाजा लगा लेते हैं हाँ जी फीवर है और इतनी इंटेंसिटी का फीवर है, राइट। ये थर्मामीटर हमें बहुत अच्छे से पता है, ये वाला जो कि हमारा ऐसा होता है इंफ्रारेड थर्मामीटर। तो कोविड के ड्यूरेशन पे जब कांटेक्ट लोगों मतलब नहीं उतना क्लोजनेस नहीं मेंटेन कर सकते थे, तो उस ड्यूरेशन पे दूर से ही टेम्परेचर को नोट करता था। तो जो भी बॉडी हीटेड होती है या कोई भी बॉडी, ऐसा जैसे मैं, मेरे को अभी फीवर नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी बॉडी से हीट रेडिएट नहीं हो रही। हीट तो रेडिएट हो रही है, जिस जिस व्यक्ति को फीवर है वहाँ पर हीट रेडिएशन ज़्यादा होता है। तो ये क्या करता है, दूर से इंफ्रारेड जो थर्मामीटर होते हैं या रेडिएशन थर्मामीटर जो होते हैं, वो दूर से ही वैल्यू को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आप सोचिए, मान लीजिए स्टील इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री में क्या होता है, मान लीजिए आयरन मैन्युफैक्चर हो रहा होता है और आयरन का मेल्टिंग पॉइंट तो 1540 1550 के आसपास है। अब 1550 डिग्री सेल्सियस के पास कोई जाके उसको थोड़ी ना थर्मामीटर लगाएगा, वो तो थर्मामीटर भी पिघल जाएगा। और जो हम हैं, मेरे जैसे कोई व्यक्ति है जो वहाँ काम कर रहे होंगे, वो थोड़ी ना 1500 डिग्री सेल्सियस की भट्टी और उतने हीटेड टेम्परेचर के पास जाएंगे। तो वहाँ पर उस टेम्परेचर को दूर से मेजर किया जाता है। आपने कहीं सुना होगा कि सन का टेम्परेचर इतना है, मून का टेम्परेचर इतना है, तो कोई सन के पास थोड़ी ना जाके थर्मामीटर लगा दिया है। तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वो रेडिएशन से वो वैल्यूज को कैलकुलेट करते हैं, तो रेडिएशन थर्मामीटर होते हैं। तो आई होप आपका बेसिक नॉलेज यहाँ पर क्लियर हो गया कि थर्मामीटर वो नहीं है जो केवल हम जानते हैं। ये हमारे जो है ये डोमेस्टिक थर्मामीटर है, कमर्शियल थर्मामीटर, प्रोफेशनल थर्मामीटर बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं। और टेम्परेचर मेजर करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट में ही आना पड़े, आप बिना कांटेक्ट में आए हुए भी वैल्यूज़ को नोट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में टेम्परेचर समझते हैं। टेम्परेचर की डेफिनेशन क्या कहती है, टेम्परेचर इज़ द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर इज़ द मेजरमेंट ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस। तो टेम्परेचर क्या बताता है, क्या मेजर करता है, किसी भी बॉडी की हॉटनेस या उसकी कोल्डनेस। हॉटनेस या फिर कोल्डनेस मतलब जब वो वैल्यू आपको निकाल के देगा, अगर मैं अभी अपने बॉडी में थर्मामीटर लगाऊं और थर्मामीटर से मैं कैलकुलेट करूं, तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर जो डिजिट मेरा हमारा जो डोमेस्टिक थर्मामीटर होता है, होम अप्लाइंसेस में आता है, उसकी वैल्यू 98 97 के आसपास आएगी। अगर यही वैल्यू 100 आ जाएगी, तो ये पहले तो मेरे को बेंचमार्क पता है कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। इसके बाद जाएगा तो हम कहेंगे कि नहीं हीटेड है या फीवर है। तो मेजरमेंट में हमें क्या बताता है, उस बॉडी का हॉटनेस बताता है उसमें कितनी हीट है, या फिर कोल्डनेस बताता है कि उसमें कितना कोल्डनेस है, कितनी वो बॉडी ठंडी है। जैसे इसी थर्मामीटर को आप आइस में प्लेस करेंगे तो वहां पर आपको वो 0 डिग्री सेल्सियस शो करेगा। दूसरा, इट इज़ मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। हमने अभी देख लिया है कि जो टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होता है वो थर्मामीटर होता है। और यहाँ पर खास बात है, हम मेजरमेंट शुरू कर रहे हैं तो मेजरमेंट के लिए कुछ स्केल होती है। जैसे डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ऐसा नहीं है कि डिस्टेंस को केवल आप किलोमीटर में ही मेजर करेंगे, आप मीटर में मेजर कर सकते हैं, आप जो है मिलीमीटर में मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं। तो ये जो लेंथ है, लेंथ को मेजर करने के कई तरीके हैं। अगर आपको दो सिटीज़ के बीच में डिस्टेंस मेजर करनी है तो फिर आप ऑब्वियसली किलोमीटर यूज़ करेंगे। अगर मान लो आपको अपनी जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, एक घर से दूसरे घर की दूरी या आपके घर से पार्क तक की दूरी, तो वहाँ पर नॉर्मली हम मीटर कैलकुलेट कर लेते हैं कि भाई 100 मीटर है, 200 मीटर है। आपने देखा होगा जब स्पोर्ट्स होते हैं स्कूल में, तो स्कूल में जो स्पोर्ट्स होते हैं तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता कि आपको 50 किलोमीटर 20 किलोमीटर 15 किलोमीटर दौड़ना है। आपके लिए जो स्पोर्ट्स होता है वो लिमिटेड होता है, जैसे 400 मीटर की रेस है, 1600 मीटर की रेस है, डिस्टेंस है। लेकिन
जब आप कॉपी पर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, जब आप कोई डायग्राम बनाते हैं, जब आप मैथ में ज्योमेट्री पढ़ते हैं, तो उस केस में आप क्या करते हैं, जो डिस्टेंस, जो लेंथ मेजर करते हैं, वो जो मेजरमेंट होता है वो मीटर में नहीं, सॉरी मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन, जो स्केल ऑफ मेजरमेंट है वो मेरा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से जो टेम्परेचर है उसकी तीन स्केल होती हैं। पहली स्केल है फॉरेनहाइट में, फॉरेनहाइट में मेजर करेंगे। दूसरी स्केल डिग्री सेल्सियस है और तीसरी स्केल हमारी केल्विन हो गई है। अब बात आती है कि सर तीन स्केल तो हो गई हैं, एक फॉरेनहाइट स्केल हो गई है, दूसरी डिग्री सेल्सियस स्केल हो गई, तीसरी केल्विन स्केल हो गई है, इनको यूज़ कहाँ करेंगे, कहाँ पर इनका एप्लीकेशन आता है, राइट? तो एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एक बस थोड़ी सी कुछ चीज़ें बता देता हूं। जो फॉरेनहाइट स्केल है ये नॉर्मली डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। कौन करते हैं? डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, मतलब आप समझिए क्लिनिकल पर्पस के लिए यूज़ होता है, क्लिनिकल पर्पस के लिए या मेडिकल इंडस्ट्री में इसको हम यूज़ करते हैं, स्पेशली डॉक्टर्स के लिए ये बनाया गया है या स्केल बनाई गई है। वर्ल्ड वाइड ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं स्केल वो डिग्री सेल्सियस है, लेकिन फिर भी अगर आप यूरोप में देखें, आप अमेरिकन कॉन्टिनेंट में देखें, तो वहाँ पर जो एक कॉमन स्केल है वो फ़ारेनहाइट है, लेकिन वर्ल्ड वाइड जिसने एक्सेप्ट किया है कॉमन पीपल के लिए डिग्री सेल्सियस है। तो डिग्री सेल्सियस किसके लिए है? कॉमन पीपल के लिए, नॉर्मल व्यक्ति के लिए, जिसको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा जो है टेक्निकल और बहुत ज़्यादा डेप्थ, इन डेप्थ नॉलेज नहीं चाहिए, उसको डिग्री सेल्सियस में मेजरमेंट किया जाता है जनरली, राइट? जितने भी हमारे सब्सटेंसेस होते हैं, हम जिन जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया है, मेल्टिंग पॉइंट हो गया है, किसी भी सब्सटेंस का अगर हम कुछ ये वैल्यूज देते हैं उन, तो हम डिग्री सेल्सियस यूज़ करते हैं। कॉमन पीपल डिग्री, ये हमारा डिग्री सेल्सियस के स्केल को यूज़ करेगा। अब आप आते हैं, खास स्केल होती है कैल्विन स्केल। ये कैल्विन स्केल जो होती है ये एसआई यूनिट होती है टेम्परेचर की। देखिए एसआई यूनिट क्या है? स्टैंडर्ड यूनिट है। स्टैंडर्ड यूनिट जैसे मीटर, जैसे लेंथ की जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो मीटर है, टाइम की जो एसआई यूनिट है वो सेकेंड है। इसी तरीके से जो हमारा टेम्परेचर का जो यूनिट है, एसआई स्टैंडर्ड यूनिट है, वो कैल्विन है। और ये जो कैल्विन है ये खास दो लोगों के लिए बनाया गया है या दो कम्युनिटी के लिए बनाया गया है। सबसे पहले साइंटिस्ट हो जाते हैं, साइंटिस्ट हो जाते हैं, या फिर आप समझिए रिसर्चर्स हो जाते हैं, जो रिसर्च करते हैं, ठीक है ना, साइंटिस्ट या फिर रिसर्चर्स हो जाते हैं। और दूसरा ये कैल्विन स्केल जो है यूज़ करते हैं इंजीनियर्स। तो ये हमें पता होना चाहिए कैल्विन स्केल प्रोफेशनल लोग यूज़ करते हैं, प्रोफेशनल्स, राइट? हालांकि मेडिकल में जो डॉक्टर है वो भी प्रोफेशनल है, लेकिन वो कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं कर रहा है जो मतलब कि कॉमन पीपल से रिलेट ना करती, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोगों से जुड़ा हुआ है। जो रिसर्चर्स और साइंटिस्ट हैं और जो इंजीनियर्स हैं, ये इनका एक अलग स्केल चलता है, इनके लिए कैल्विन बनाया गया है। और ये जब भी वैल्यूज़ देंगे कैल्विन में देंगे। जो भी स्टूडेंट बीटेक वगैरह करते हैं या इस तरीके के किसी प्रोफेशनल एजुकेशन में है, तो वहाँ पर जितनी भी मेडिकल, जितने भी डेटास दिए जाते हैं वो हमेशा किस में दिए जाते हैं? कैल्विन में। तो हमें एक लाइन में समझ लेते हैं, फॉरेनहाइट कौन यूज़ करेगा? डॉक्टर्स यूज़ करते हैं। सेल्सियस कोई भी यूज़ कर सकता है। कैल्विन कौन यूज़ करेगा? स्पेशली साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, इंजीनियर्स या फिर कोई और प्रोफेशनल जो है वहाँ पर काम कर रहे हो, राइट? एक खास चीज़ आती है टेम्परेचर के बारे में जो हमें समझनी है, वो आती है हीट और टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस। हीट किसे कहते हैं और टेम्परेचर किसे कहते हैं? देखिए आप किसी ऑब्जेक्ट को इन उसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको हीट देनी पड़ेगी। उसको मान लेते हैं गैस जल रही है तो उसके ऊपर आप रखेंगे, तो हीट जब आप उसको देते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। तो जो टेम्परेचर है वो इफेक्ट है और हीट जो है वो कॉज है। कॉज का मतलब किसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है, हीट देने से, हीट को ऐड करने से। तो अगर आप हीट को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से, किसी भी बॉडी से
अगर आप टेम्परेचर को निकाल रहे हैं, उसमें से माइनस कर रहे हैं, हीट को निकाल रहे हैं, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो टेम्परेचर देखते हैं, इट इज़ द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई चीज़ कितनी हॉट है कितनी कोल्ड है, ये मुझे वो टेम्परेचर की जो वैल्यू होगी उससे मैं अंदाज़ा लगाऊंगा। 20 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री, ये जो नंबर्स हैं इनसे मेरे को अंदाज़ा लगता है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस पता चलता है। जैसे 40 डिग्री सेल्सियस पर कोई चीज़ है और 60 डिग्री सेल्सियस पर कोई चीज़ है, तो मुझे पता है कि जो 60 डिग्री सेल्सियस वाली चीज़ है वो ज़्यादा गर्म है, ज़्यादा हॉट है। अगर मैं 40 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री में कंपेयर करता हूँ दोबारा से, अगर मैं देखूँ कोल्ड कौन है, तो 40 डिग्री सेल्सियस वाली 60 डिग्री के रिस्पेक्ट में कोल्ड होगी, ठंडी होगी। एज सच 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कोई ठंडा नहीं होता है, लेकिन कंपेरेटिव स्टडी जब हम करते हैं तो 60 डिग्री सेल्सियस के कंपैरिजन में 40 जो है वो हमारा ठंडा हो जाएगा। अगर हम 40 और 20 को कंपैरिजन करते हैं तो 20 वाला 40 से ज़्यादा ठंडा हो जाएगा और 40 वाला 20 से गर्म हो जाएगा। अगर इसी तरीके से आप दो वैल्यू ले लें, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस ले लें और 5 डिग्री सेल्सियस ले लें, ठीक है ना, एक टेम्परेचर 0 है और एक टेम्परेचर 5 है। 0 वाले को हम क्या कहेंगे, कोल्ड है एज कम्पेयर टू 5। अब 5 डिग्री सेल्सियस वाला भी ठंडा ही होता है। नॉर्मली हम लोग एसी कितने पर चलाते हैं, 21, 22, 23, 24 पर चलाते हैं। 5 डिग्री सेल्सियस पर तो फ्रिज में रहता है 5 डिग्री सेल्सियस, अच्छा खासा ठंडा होता है। लेकिन जब हम कंपेयर करते हैं किसी दो टेम्परेचर के बीच में, तो हम उनके दोनों के रिस्पेक्ट में बताते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस और 5 डिग्री सेल्सियस में इसमें हॉटनेस क्या होगी, ज़्यादा होगी, अगर हम इन दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं। और कोल्डनेस किस में ज़्यादा होगी, इसमें। तो ये वाली जो चीज़ें हैं, ये सारी जो वैल्यूज हमें पता चलती हैं, ये सब कंपैरेटिव है। कि आप कभी नहीं कह सकते कि ये चीज़ गर्म है, हो सकता है उससे ज़्यादा टेम्परेचर वाली चीज़ आ जाए आपके सामने तो वो और ज़्यादा गर्म हो जाएगी। चलिए, पहला पॉइंट आई होप आपको समझ गया होगा। दूसरा, हीट को देखते हैं। हीट क्या है, टेम्परेचर मुझे डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस बताता है। हीट क्या बताता है, हीट इज़ दी थर्मल एनर्जी। देखिए, पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए कि हीट इज़ अ काइंड ऑफ एनर्जी, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। थर्मल का मतलब होता है हीट, तो हीट एक तरीके की एनर्जी है, राइट। अब दो बॉडी ले लेते हैं, एक बॉडी हमने ले लिया ए, एक बॉडी ले लिया ए, एक बॉडी ले लिया मैंने बी। इस बॉडी का टेम्परेचर मैंने नोट किया है तो इसका 40 डिग्री सेल्सियस है, इस बॉडी का टेम्परेचर मैंने नोट किया है तो 50 डिग्री सेल्सियस है। तो 40 डिग्री सेल्सियस वाली चीज़ 50 के कंपैरिजन में कोल्ड है, राइट। इसका मतलब जो 50 डिग्री सेल्सियस वाली जो चीज़ है उसके पास ज़्यादा एनर्जी कंटेंट है। हीट किसके पास ज़्यादा होगी, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, राइट। हीट किसके पास ज़्यादा होगी, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, मतलब एनर्जी किसके पास ज़्यादा होगी, जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो हीट क्या है, इट इज़ अ थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट इज़ मेजर्ड इन जूल्स। हीट जो है, जो सब्सटेंस है, जो बॉडी है, वो बॉडी बहुत सारे पार्टिकल्स से, मॉलिक्यूल से, एटम से मिलके बनी है। तो जो हीट होता है वो एक एवरेज वैल्यू होती है। मान लो 1000 पार्टिकल है, 1000 पार्टिकल में इंडिविजुअली सारे एटम का टेम्परेचर थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, तो जो एवरेज वैल्यू निकल के आएगी उन सभी 1000 पार्टिकल्स की, अगर एक की हीट 10 है, एक की 12 है, एक की 15 है, आप तीनों को प्लस कर दीजिए, तीनों को प्लस करके डिवाइड बाई 3 कर दीजिए, एवरेज वैल्यू मिलती है। तो हीट इज़ अ थर्मल एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। जो ऑब्जेक्ट, जो सब्सटेंस, जिन पार्टिकल से मिलके बना है, उसमें कितना एनर्जी कंटेंट है, कितना जो है एनर्जी रखते हैं, वो हमें बताएगा हीट। तो हीट जो होता है, आप लेकिन अब समझने के लिए, ये तो हो गए हमारी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट के लिए। तो जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। अगर किसी भी सिस्टम का आप हीट बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर भी क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। और सेंस क्या मिलता है, सेंस समझिएगा, सेंस क्या मिलता है, अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो हम ये कहेंगे उसके पास एनर्जी भी ज़्यादा है।
अगर किसी का टेम्परेचर कम है तो हम ये कहेंगे उसके पास एनर्जी कम है। ठीक, सेकेंड पॉइंट पर आइए, टेम्परेचर डिस्क्राइब्स द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। टेम्परेचर क्या बताता है पार्टिकल्स के बारे में? काइनेटिक एनर्जी बताता है कितना मोशन कर रहे हैं, राइट? अगर एक पार्टिकल, ये मैं दो पार्टिकल ले रहा हूँ, इनका मोशन कितना है, इनके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर। तो इसकी जो मास, देखिए मास तो कांस्टेंट है, किसी भी एटम का जो मास होगा वो कांस्टेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है? वेलोसिटी के ऊपर। तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वेलोसिटी के स्क्वायर पर। जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। और जब आप किसी सब्सटेंस को टेम्परेचर उसका बढ़ता है, ऑब्वियसली टेम्परेचर हीट बढ़ाने से ही बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इस ऑब्जेक्ट का, किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर अगर ज़्यादा, मैं बता रहा हूँ, अगर एक बॉडी मैंने ए ले ली है, एक बॉडी मैंने बी ले ली है, अगर मैं कहता हूँ इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है, इसका टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस है, तो ये जो ऑब्जेक्ट है जिन पार्टिकल से मिलके बना है, इन पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ए और बी जिन पार्टिकल से बना है, तो क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल बी। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा उसके पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, तो हम क्या कहेंगे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी इज ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए। ये हमको कहना है, या ये हमको अंडरस्टैंडिंग यहाँ से डेवलप होती है। दूसरा, हीट मेजर्स हाउ एनर्जी मूव्स और फ्लोस। हीट क्या बताएगा कि एनर्जी का फ्लो कैसे होता है? फ्लो समझते हैं। मैं कहता हूँ ये दो बॉडी है, इसके पास जो Q1 है, देखिए बेटा हीट को जो है Q से रिप्रेजेंट करते हैं स्पेशली, अच्छा नॉर्मली किसी बुक में H से भी रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, तो ऐसा कुछ गलत नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड Q मान के चलते, तो फिर मैं Q से ही बता रहा हूँ। अगर आपकी बॉडी में वो, सॉरी, अगर आपके किसी बुक वगैरह में ऐसा मिले कि वो H है, तो कन्फ्यूज़ मत होइएगा। जो Q1 है मेरा, हीट मेजर्स हाउ एनर्जी मूव्स और फ्लोज। मान लो मैं ये कहता हूँ कि इसके पास 100 जूल की एनर्जी है और इसके पास 200 जूल की एनर्जी है। एक वैल्यू मैंने अपने लिए समझने के लिए ले ली ऐसे ही। अब क्या है, जो 100 जूल पर है, जो 200 जूल पर एनर्जी है, तो एक हमें क्या है कि हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, या फिर आप ऐसे कहिए टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट। जिसके पास हीट ज़्यादा होगी उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो हीट किसके पास ज़्यादा है? 200 जूल इसके पास है। ये ऑब्जेक्ट ए है, ये ऑब्जेक्ट बी है, तो टेम्परेचर बी जो होगा वो ज़्यादा होगा किससे? टेम्परेचर ऑफ ए से। तो बॉडी में जो बी का टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा ए वाली बॉडी से, राइट? अब मान लेते हैं इन दोनों ऑब्जेक्ट को हम पास पास लाते हैं, चिपका के रखते हैं, तो क्या होगा? तो टेम्परेचर का डिफरेंस है। जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तो बॉडी में हीट का ट्रांसफर होगा। ऐसे समझिए आप, एग्जांपल में एक गर्म चीज़ है, राइट, उबलता हुआ पानी है, ठीक है ना, और एक पानी है मेरे पास 40 डिग्री सेल्सियस पर। जो उबलता हुआ पानी है उसमें ज़्यादा एनर्जी है, तो ज़्यादा एनर्जी होगी तो वो रेडिएट भी ज़्यादा एनर्जी करेगा, जिसमें कम एनर्जी होगी वो एनर्जी को रेडिएट भी कम करेगा, राइट? कंसिडरिंग कि उसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। तो दो बॉडी में जो हीट का फ्लो होता है वो किस पर डिपेंड करता है? कि उन दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है, ठीक है ना? अब टेम्परेचर का डिफरेंस, एक बॉडी है 100 डिग्री सेल्सियस पर, एक बॉडी है 200 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक, और एक बॉडी है 40 डिग्री सेल्सियस पर, एक बॉडी है 500 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है? जो ये इन दोनों में अगर देखें तो ये ज़्यादा टेम्परेचर है उसका, तो क्या करेगा, हीट का फ्लो किधर होगा? हीट का फ्लो होगा हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हीट का फ्लो,
ठीक है ना। जैसे हम हमेशा समझते हैं, ये जैसे डिफ्यूजन देखा है या कोई भी इस तरीके के प्रोसेस है, एयर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर, तो इस तरीके से जो प्रेशर इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर या हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, इसी तरीके से वही रूल टेम्परेचर में भी अप्लाई होता है कि जो टेम्परेचर होगा या जो टेम्परेचर का फ्लो, मतलब टेम्परेचर का फ्लो का मतलब है ऑब्वियसली हीट का फ्लो, हीट का डिग्रेडेशन, हीट का जो फ्लो होगा वो क्या होगा, हायर बॉडी टेम्परेचर से लोअर बॉडी टेम्परेचर की तरफ होगा हमेशा। तो 200 वाली जो है वो क्या करेगा, हीट को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो 200 वाले से तो हीट माइनस होगा और 100 वाले के तरफ हीट क्या हो जाएगा, प्लस होता चला जाएगा। और ये हीट का ट्रांसफर कब तक होता रहेगा, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। एक ऐसे टाइम, एक ऐसे सिचुएशन पर पहुंचेगा कि जब दोनों का टेम्परेचर जो हो जाएगा बराबर हो जाएगा। जब दोनों का टेम्परेचर बराबर है, इसका मतलब दोनों की हीट बराबर है। अब दोनों की हीट बराबर है तो हीट का फ्लो होगा ही नहीं। सिमिलरली 400 डिग्री सेल्सियस और 500 डिग्री सेल्सियस फ्लो यहाँ होगा। आप देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज, यहां पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, इसके बीच में 460 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है, इसके बीच में 100 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस है। जिसके बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा वहां पर हीट का फ्लो भी ज्यादा होगा। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लो एक में ढलान है, तो ढलान एक 45 डिग्री पर ढलान है और एक 70 डिग्री पर ढलान है और एक 30 डिग्री पर ढलान है। जो 70 डिग्री से जो चीज फेंकेंगे वो बहुत तेजी से नीचे आएगी, 45 डिग्री की स्पीड कम होगी, राइट, 30 डिग्री पर और स्पीड कम होगी। तो जिसमें डिफरेंस ज्यादा होगा, राइट, जिसमें स्लोप ज्यादा है, तेजी से नीचे आ रही हैं चीजें, जिसमें डिफरेंस ज्यादा है, टेम्परेचर या हीट ज्यादा जल्दी ट्रांसफर होगी, ठीक है ना। तो यहां पर यही बता रहा था, अगर कोई ऑब्जेक्ट 100 पर है, कोई ऑब्जेक्ट 200 पर है, हीट का फ्लो कहाँ, इसकी तरफ होगा। तो इसका टेम्परेचर तो घटेगा और इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब दोनों का टेम्परेचर बराबर हो जाएगा। इसका मतलब दोनों के पास हीट क्या हो गई है, बराबर हो गई है, तो वहां पर जो है टेम्परेचर का फ्लो या हीट का फ्लो भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। नेक्स्ट, एसआई यूनिट केल्विन है, ये मैं बता चुका हूँ। हीट की एसआई यूनिट जो है वो जूल होती है, बाकी अदरवाइज तीन यूनिट या तीन स्केल्स और हैं जिसमें मेजर करते हैं, फॉरेनहाइट, केल्विन और डिग्री सेल्सियस। और हीट को मेजर करने के लिए हम कैलोरीज या फिर जूल यूज किया करते हैं। चलिए जी, तो ये तो रही हमारी हीट और टेम्परेचर के बीच का डिफरेंस है। अब हम खास चीज पर आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल है। जितने भी लोग नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं या जिनका जो है ड्रीम है कि मेरे को जो है उसमें अपीयर होना और पास होना है, तो टेम्परेचर के इस कॉन्सेप्ट को उनको समझना चाहिए। सबसे पहला मैंने यहाँ पर तीन थर्मामीटर दिए हैं। ये थर्मामीटर वो है जिसमें फॉरेनहाइट में मेजरमेंट हो रहा है, इसमें डिग्री सेल्सियस में मेजर हो रहा है और इसमें कैल्विन में मेजर हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर वाटर लिया है, हम वाटर के रिस्पेक्ट में इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हैं। वाटर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाता है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री सेल्सियस है। अगर तो जब मैं एक आइस लेता हूँ, मैंने क्या किया है, आइस या फिर वाटर ले लिया है, ठीक है ना, मैं इसमें थर्मामीटर डालता हूँ, ये वाला। जब मैं ये वाला थर्मामीटर डालूंगा उसकी रीडिंग आती है 0 डिग्री सेल्सियस। रीडिंग कितनी आती है, 0 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करिए, अब आप वापस में ये वाला थर्मामीटर डालिए जो कि कैल्विन में रीडिंग दे रहा है। जब आप इस वाले को डालेंगे तो जो कैल्विन वाले थर्मामीटर में जो रीडिंग देगा वो देगा 273 कैल्विन, ठीक है ना। थर्मामीटर डाला, मान लो ये थर्मामीटर है, डिग्री सेल्सियस में मेजर करता है, डालेंगे तो 0 डिग्री सेल्सियस। दूसरा थर्मामीटर कैल्विन में वैल्यूज को मेजर कर रहा है, उसको जब हम उस पर्टिकुलर आइस में डालेंगे तो कितना मेजर करेगा, 273 डिग्री कैल्विन। और अगर हम फॉरेनहाइट वाला थर्मामीटर डालेंगे तो वहां पर 32 डिग्री फॉरेनहाइट होगा। अब तो इसका क्या मतलब हमको समझ में आया है कि वाटर का या फिर आइस का, राइट, मेल्टिंग पॉइंट कह लीजिए या फ्रीजिंग पॉइंट कह लीजिए, अगर वाटर से आइस की तरफ जा रहे तो फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, अगर आइस से वाटर की तरफ जा रहे तो मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। तो वाटर के केस में, राइट, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, राइट, या फिर आपका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ये सेल्सियस स्केल में है,
इसका मेल्टिंग पॉइंट ये भी कह सकते हैं कि नहीं नहीं इसका तो 273 केल्विन है, तो ये वैल्यू सेम है, केल्विन स्केल में है। अगर फॉरेनहाइट स्केल में कहते हैं तो ये वैल्यू 32 डिग्री फॉरेनहाइट आ जाएगा। ठीक, अब आपने क्या किया है, ये जो वाटर आपने जो आइस वगैरह लिया था आपने, ये जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर था या फिर 273 केल्विन या 32 डिग्री फॉरेनहाइट पर है, आप इसको हीट करने लगिए, हीट करेंगे, टेम्परेचर दे रहे हैं, गैस के ऊपर रख दीजिए और आप इसको हीट करते रहिए करते रहिए, और आप इसको बॉइलिंग पॉइंट या बॉयल करने लगिए, उस समय आप थर्मामीटर डालेंगे तीनों अलग अलग करके, तो बॉयल इसमें तो 100 डिग्री सेल्सियस आएगा, इस वाले में 373 केल्विन आएगा और इस वाले में 212 डिग्री फॉरेनहाइट आएगा। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन भी है क्योंकि वो केल्विन स्केल में है, और यहाँ पर जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो 212 डिग्री फॉरेनहाइट है। तो स्केल्स चेंज हो गई हैं तो वैल्यूज चेंज हो गई हैं, अब आपकी मर्जी है कि आप किस में मेजरमेंट करते हैं। राइट, मान लेते हैं कि 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है तो किलोमीटर में 1 है, अब मैं कहूँ कि नहीं मेरे को तो मीटर में आप बताइए, तो मीटर में तो 1000 मीटर हो जाएगा, तो 1000 मीटर और 1 किलोमीटर होने से कोई डिस्टेंस थोड़ी ना चेंज हो गया है। 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन बोलने से कोई जो इंटेंसिटी ऑफ हीट है वो थोड़ी ना चेंज हो गई है, तो स्केल का मेजरमेंट का तरीका है। राइट, और इसमें मेजर करेंगे तो 212 डिग्री फॉरेनहाइट है। अब हम आते हैं खास बात पर, बॉयलिंग कर लिया, फ्रीजिंग पॉइंट समझ लिया, इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आप टेम्परेचर को फर्दर रिड्यूस करते जाएं, टेम्परेचर को क्या करें, कम करते जाएं, घटाते जाएं। जब आप घटा रहे हैं, देखिए जब आप टेम्परेचर का बढ़ाना आपका पर्पस होता है तो आप हीट को देते हैं। राइट, आप इसको हीट को सप्लाई कर रहे होते हैं। जब आपका पर्पस टेम्परेचर को घटाना है तो आप उस बॉडी में से, जिस बॉडी का टेम्परेचर आप रिड्यूस करना चाहते हैं, वहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट करेंगे, बाहर निकालेंगे, और जैसे जैसे हीट बाहर निकलती जाएगी टेम्परेचर घटता चला जाएगा। एब्सोल्यूट जीरो समझिए क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो, आप क्या करिए, घटाते जाइए टेम्परेचर। ठीक, कितना ले आइए, मैं पहले इससे समझता हूँ क्योंकि ये हम ज़्यादा फेमिलियर हैं इससे। 0 डिग्री सेल्सियस पर आइस है, फ्रिज में रख दिया है, अच्छी क्वालिटी के जो बहुत महंगे फ्रिज होते हैं उसमें -17, -20, -25, कमर्शियल वाले फ्रिज होते हैं उसमें तो -50, -60, -70 ऐसे, और बहुत क्वालिटी के अच्छे जो क्रायोजेनिक्स होते हैं, क्रायोजेनिक के केस में टेम्परेचर को आप बहुत रिड्यूस कर सकते हैं। इस केस में आप टेम्परेचर को घटाते जाइए, आप पहुंच जाए -273 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना टेम्परेचर आप घटा दें -273 पर पहुंच जाए। राइट, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आपने बर्फ लिया या वाटर लिया, वाटर को फ्रीज किया 0 डिग्री सेल्सियस, अभी और कर रहे हैं और टेम्परेचर डाउन कर रहे हैं, जो आपका आइस है वो कितने टेम्परेचर पर आ जाए, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक, इतनी हीट एक्सट्रैक्ट कर लें आप। राइट, तो उस समय आप इस केल्विन वाले थर्मामीटर को उसमें डालेंगे तो आपको वो दिखाएगा जीरो, क्या दिखाएगा, जीरो। और उस समय अगर आप इसको डाले फॉरेनहाइट वाले थर्मामीटर को तो आपको वैल्यू दिखाएगा 459। इंपॉर्टेंट चीज हमें अब जाननी है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर किसे कहते हैं। केल्विन स्केल में हम देखेंगे, जो केल्विन स्केल का जो जीरो वाला पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं जीरो केल्विन, मतलब जहां से केल्विन वाला थर्मामीटर शुरू हो रहा होगा। राइट, तो यहाँ पर जीरो केल्विन मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है, देखिए आप किसी बॉडी से हीट निकालते जाइए, ठीक, आप क्या करें कंटिन्यूसली किसी बॉडी से हीट निकालते जाइए। ये बॉडी क्या है, इनिशियली मान लो ये लिक्विड स्टेट में कोई बॉडी है, क्या है, लिक्विड स्टेट में कोई बॉडी है, आपने इसमें से हीट निकाली तो टेम्परेचर रिड्यूस हो गया है और ये बाद में क्या हो गया, सॉलिड स्टेट में आ गया है, ठीक है ना, आइस में कन्वर्ट हो गया है, और फर्दर आप इसके हीट को फिर से निकालते जा रहे हैं, और मैं ये कहता हूँ कि अब इसका टेम्परेचर माइनस
273 डिग्री सेल्सियस हो गया है या फिर इसका टेम्परेचर 0 केल्विन हो गया है। तो क्या हो क्या रहा है वो देखिए, ये हमारी लिक्विड स्टेट थी, ठीक। लिक्विड स्टेट में जो एटम्स या पार्टिकल होते हैं वो दूर दूर होते हैं, टेम्परेचर घटाते हैं, स्टेट चेंज करता है, लिक्विड से सॉलिड में आता है। पार्टिकल क्या होते हैं, क्लोज होने चले होते चले जाते हैं। क्लोज होने का मतलब है उनके बीच में, इनके बीच में जैसे जैसे टेम्परेचर घटेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, इंक्रीज कर जाता है और इंटर पार्टिकल स्पेसिंग जो होगी वो क्या हो जाएगी, खत्म होती चली जाएगी, या इंटर एटॉमिक या इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ठीक। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, इंटर पार्टिकल स्पेसिंग जो हो जाएगी कम हो जाएगी और सॉलिड स्टेट में ये पार्टिकल क्या हो गया, और जो है क्लोजली पैक्ड हो जाएंगे। इसी के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पर काइनेटिक एनर्जी भी कंटिन्यूसली डिक्रीज होती चली जाती है, मतलब मोशन ऑफ पार्टिकल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। और जब आप -273 डिग्री सेल्सियस 0 केल्विन या जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट जीरो, अगर आप इस टेम्परेचर को अचीव करते हैं तो उस समय जो पार्टिकल्स में मोशन होगा दैट विल बी कंप्लीटली फिनिश्ड, 0 0 0 हो जाएगा, राइट। मतलब अब पार्टिकल बिल्कुल भी मोशन नहीं करेगा, बिल्कुल अपनी जगह पर कंप्लीटली जो है वो शांत हो जाएगा, जीरो एनर्जी लेवल, कोई एनर्जी नहीं होगी, कोई मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो ऐसा टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच देयर इज नो मोशन एंड नो हीट रिमेन्स, नो मोशन, कोई मोशन पार्टिकल में नहीं है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी हो गई है जीरो। नो हीट, इसका मतलब क्यू कितना हो जाएगा, जीरो, क्यू हो जाएगा जीरो, रिमेन्स इन दिस सब्सटेंस एंड ऑल द पार्टिकल विल फ्रीज, विल आइडियली फ्रीज देयर मोशन कंप्लीटली, अपने मोशन को वो बिल्कुल पूरे तरीके से समाप्त कर लेंगे, राइट। एब्सोल्यूट जीरो इज द लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल, ये एक लोएस्ट टेम्परेचर पॉसिबल है। आप कहें कि नहीं मैं तो केल्विन में भी -1 केल्विन लेके जाऊंगा, इट इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ, अर्थ पर ये पॉसिबल नहीं है। तो लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर जो अर्थ पर अचीव किया जा सकता है वो -23 है और उस स्टेट में पार्टिकल में कोई मोशन नहीं होगा, हीट कंटेंट जीरो हो जाएगा। ऐसे पर्टिकुलर स्टेट को हम एब्सोल्यूट जीरो स्टेट भी बोलते हैं। एब्सोल्यूट जीरो अकर्स एट अ टेम्परेचर ऑफ 0 केल्विन और -273.15। देखिए -273.15 आइडियल वैल्यू है, लेकिन न्यूमेरिकल वगैरह भी हम करते हैं तो वहां पर हम केवल -273 से काम चला लेते हैं, ठीक है ना। मिनिमम वैल्यू ऑफ केल्विन इज 0, केल्विन की स्केल कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है, केल्विन स्केल कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज एट द 0 केल्विन द पार्टिकल्स इन द सब्सटेंसेस विल फ्रीज देयर मोशन। 0 केल्विन पे जो पार्टिकल होते हैं, जो सब्सटेंसेस होते हैं, उनका मोशन कंप्लीटली फ्रीज हो जाता है। तो बीच बीच में बच्चों आप लोग जो है, अगर आप इसको नहीं लिख पा रहे हैं, आपको लगता है थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ, तो आप उसकी स्पीड स्लो कर सकते हैं और आप जो है टाइम टू टाइम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उतनी जगह मैं दे देता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लें, राइट। चलिए अब आते हैं इंटर कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। मेरे पास 3 स्केल हो गई हैं, केल्विन स्केल, फारेनहाइट स्केल और मेरे पास डिग्री सेल्सियस वाली स्केल। एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कन्वर्ट करना है तो क्या कैसे करेंगे, तो ये मेरे पास 2 फॉर्मूले हैं, केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। देखिए यहाँ पर जो क्या, अब हम जैसे ये तो हो गए आइडियल चीज, ठीक है ना, लेकिन अगर आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273 ही लेके करेंगे, ठीक है ना। और डिग्री फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अच्छा कई बार जो है बच्चे मेरे से कहते हैं कि सर मुझे याद नहीं हो रहा ये फार्मूला, तो मैं एक बहुत आसान से ट्रिक बता देता हूँ आपको। जो टेम्परेचर आपको निकालना है उसको आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है ना। तो आपको टेम्परेचर केल्विन में चाहिए, आपको टेम्परेचर फारेनहाइट में चाहिए, ठीक। और जो टेम्परेचर आप को देखिए, यहाँ पर हम कॉमन टेम्परेचर लेके चलेंगे, डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस, तो इधर पर हमेशा टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में वो टेम्परेचर रखा जाएगा जो मुझे निकालना है।
तो कैल्विन इधर और फारेनहाइट इधर रख दिया। यहाँ पर डिग्री सेल्सियस में जो भी वैल्यू आपको दिया डिग्री सेल्सियस, मान लो कोई बोल रहा है 20 डिग्री सेल्सियस है, इसको कैल्विन में कन्वर्ट करो, तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आप हमेशा याद कर लीजिए राइट में रखेंगे, तो डिग्री सेल्सियस ये रहा। और यहाँ पर फारेनहाइट में आपको टेम्परेचर चाहिए, तो डिग्री सेल्सियस का बस आपको ये फैक्टर आपको याद रखने पड़ेंगे 9/5 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस 273 और यहाँ पर आ जाएगा आपका 32 और इधर कोई वैल्यू नहीं होती, सिंपल डिग्री सेल्सियस साथ में। तो याद क्या रखना है आपको, जो निकालना है कैल्विन और फारेनहाइट लेफ्ट में रखेंगे, और कैल्विन डिग्री सेल्सियस से कैल्विन निकालना है तो कैल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर आपको डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट चाहिए तो फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। इनको अभी हम यूज करेंगे, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं फटाफट। कन्वर्ट 113 डिग्री फॉरनहाइट टू कैल्विन। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास फॉर्मूला है डिग्री फॉरनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो डिग्री फॉरनहाइट में ही तो बोल रहा है कन्वर्ट 113 डिग्री फॉरनहाइट टू कैल्विन, इसको किस में कन्वर्ट करना है, कैल्विन में। मेरे पास रिलेशन किसका है, फॉरनहाइट और डिग्री सेल्सियस का, तो पहले आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करिए, जो वैल्यू डिग्री सेल्सियस में आएगी फिर आप उसको कैल्विन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो डिग्री फॉरनहाइट कितना है 113, एक सेकेंड इरेजर, चलिए जी मैं पहुँचता हूँ इस पर। तो यहाँ पर बोल रहा है 113 इज इक्वल टू 9/5 प्लस हमारे पास ये डिग्री सेल्सियस हो गया प्लस 32 आ गया। मेरे को यहाँ पर क्या अननोन है मेरे लिए, डिग्री सेल्सियस। मैं यहाँ से डिग्री सेल्सियस निकाल लूँगा और वहाँ से जाके कैल्विन में, क्योंकि अल्टीमेटली आपको फारेनहाइट से कैल्विन में। देखिए कई जगह बहुत सारे फॉर्मूले, पाँच पाँच छः छः फार्मूले बना लेते हैं, ऐसा मत करिए, छः फार्मूले याद मत करिए, दो फार्मूले याद कीजिए, दो फार्मूले से सारी वैल्यूज निकलती हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर मैं क्या करूँ 113, इधर क्या करूँ -32 करता हूँ, इधर मैं करता हूँ 9/5 डिग्री सेल्सियस, ये आएगा। तो ये माइनस कर दीजिए तो 3 में से 2 1 और 11 में से 3 8, और ये हो जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस। तो डिग्री सेल्सियस की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 81 × 5/9, 9 9 जा 81, 9 5 जा 45, तो कितना डिग्री सेल्सियस आ गया आपका 45 डिग्री सेल्सियस। आपको वैल्यू आपने फारेनहाइट से किस में कन्वर्ट कर लिया है, डिग्री सेल्सियस में, अभी डिग्री सेल्सियस से कैल्विन में कर दीजिए। तो फॉर्मूला क्या है, कैल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। 0.15 है, 0.15 न्यूमेरिकल में जब आप कैलकुलेट करिए तो वैल्यू मत लीजिए, राइट। तो ये हो गया डिग्री सेल्सियस मेरा कितना है 45 और प्लस 273 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 3 = 8, 7 × 4 = 11, 318, राइट। कैल्विन में कितना आ रहा है टेम्परेचर 318, तो 113 डिग्री फॉरनहाइट किसके बराबर होगा, 318 कैल्विन के बराबर। आंसर भी यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरीके से आप जो है वो कैलकुलेशन कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, कोशिश किया कीजिए कि जब आप लेक्चर लेते हैं तो कॉपी पेन भी लेके चलिए, बीच में पॉज कर लीजिए, स्पीड ज़्यादा लग रही है तो स्लो कर लीजिए। यहाँ पर क्या करना है, 225 कैल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो कैल्विन और सेल्सियस का तो मेरे पास है फॉर्मूला, आराम से कर लूँगा। तो कैल्विन इज इक्वल टू क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अच्छा एक मैं यहाँ पर और बात बता देता हूँ, कैल्विन सिंगल होता है, कभी भी डिग्री कैल्विन मत लिखिएगा, डिग्री सेल्सियस सही है, डिग्री फॉरनहाइट सही है, ये डिग्री कैल्विन नहीं होता, ये केवल के केवल कैल्विन होता है, ठीक। कैल्विन इज इक्वल टू दिस, तो आपके पास कितना है 225 है इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर आप डिग्री सेल्सियस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 225 माइनस 273, तो यहाँ से आप माइनस कर दीजिए, ये वैल्यू जो है ये वैल्यू बड़ी है तो 13 में से 5 गया 8, 6 में से 2 गया 4, बड़ी वैल्यू का साइन आ गया, तो डिग्री सेल्सियस में ये वैल्यू कितनी आ रही है 48। तो 225 केल्विन इज इक्वल टू माइनस 48 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 डिग्री सेल्सियस से फॉरनहाइट में कन्वर्ट करेंगे, तो 50 डिग्री सेल्सियस से फॉरनहाइट में जब कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास रिलेशन क्या है, डिग्री फॉरनहाइट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, राइट।
बाकी आप इसमें वैल्यू रख लीजिए, आप इसमें रख के कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आपका 122 डिग्री फ़ारेनहाइट आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट आते हैं, मैं इनको स्किप कर रहा हूँ, आप लोग कर लीजिएगा, आंसर मैंने बता दिया है, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चंस पर जा रहा हूँ जो नीट और जेई में इस तरीके के कभी कभी क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछ लेते हैं। इवन CUET का एग्जाम है, वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में तो क्या हो रहा है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू मेरे पास क्या हो जाएगा, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस मेरे पास 32, तो डिग्री फ़ारेनहाइट कितना है, 32 है, ये हो जाएगा 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, 32 को वहाँ ले जाएंगे तो 9/5 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 माइनस 32, राइट। मैंने क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेंज कर दिया, बस ये हो जाएगा 0, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 × 5/9, 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, ठीक। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ से इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब आता है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है ये क्वेश्चन जो है, अच्छा लेवल है, करते हैं सॉल्व इसको, कंपटीशन में भी इस तरीके के क्वेश्चंस जो है आ जाते हैं। अगर आपको हो सके तो इसकी वैल्यू याद कर लीजिए, वैल्यू याद कर लेंगे तो हो सकता है कभी आए तो डायरेक्ट कर ले, कोई आपको जो है प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। एट व्हाट टेम्परेचर आर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट इक्वल, बोल रहा है कि डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल कब होंगे, मतलब देखिएगा पहले, जैसे इस जगह पर 0 डिग्री सेल्सियस अगर मैं जो है सेल्सियस में यूज़ कर रहा हूँ, टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ अगर किसी बॉडी का, अगर उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बता रहा है थर्मामीटर, और अगर मैं फ़ारेनहाइट वाला थर्मामीटर डाल रहा हूँ तो उसकी रीडिंग कितनी आ रही है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये बोल रहा है क्वेश्चन में कि कोई एक तो ऐसी वैल्यू होगी, मतलब आप दोनों थर्मामीटर डालें, दोनों थर्मामीटर जो है वो सेम रीडिंग दें, राइट। तो कोई ऐसी वैल्यू क्या हो सकती है जहां पर दोनों की रीडिंग क्या हो जाए, सेम हो जाए, क्या कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है, मतलब कोई ऐसा इंटरसेक्शन पॉइंट ऐसा हो सकता है जहां पर दोनों वैल्यू मैच कर रही हो, ठीक। तो यही बोल रहा है, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट आर इक्वल, किस टेम्परेचर पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इसको, देखिए मेरे पास फॉर्मूला क्या कहता है, फ़ारेनहाइट का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 9/5, दोबारा कर देता हूँ मैं इसको, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए। तो मैं मान लेता हूँ, सपोज ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर दोनों की रीडिंग क्या हो रही है, मैच कर रही है, सेम आ रही है। तो मैं मान लेता हूँ कि मान लो ये रीडिंग क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर भी एक्स रीडिंग शो करेगा, यहाँ पर भी एक्स रीडिंग शो करेगा, ठीक है ना। मैं क्या करता हूँ, लेट द टेम्परेचर बी एक्स, जहाँ पर दोनों स्केल इक्वल हो जाती है, ठीक। तो क्या हो रहा है, फॉर्मूला मेरे पास ये रहा, लेट द टेम्परेचर बी एक्स, राइट, वेयर डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर इक्वल, ये स्केल्स कैसी हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, राइट। तो उस केस में क्या होगा, जो फ़ारेनहाइट वाले पर जो टेम्परेचर शो हो रहा होगा, सेम टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस पर शो हो रहा होगा, तो हम जो डिग्री फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर वहाँ पर एक्स रख दें, सेल्सियस वाला टेम्परेचर वहाँ पर एक्स रख दें, तो हम ये इक्वेशन कैसे चेंज हो जाएगी, एक्स इज इक्वल टू 9/5 एक्स प्लस 32, राइट। यहाँ पर हम x की वैल्यू को कैलकुलेट कर लें, तो क्या करिए, पहले तो हम इसको फ्रैक्शन को हटा देते हैं, पूरी इक्वेशन को, या आप ऐसे ही कर लीजिए, ज़्यादा बढ़िया है आपको, अगर आपको कोई डाउट है, x इज माइनस 9/5, मैं इसको यहाँ लेके आ गया हूँ, x इज इक्वल टू 32, ठीक। इसको करेंगे सॉल्व, तो LCM आएगा 5, तो ये हो जाएगा 5x - 9x इक्वल टू 32, इसको करेंगे तो आ जाएगा आपके पास -4x, 9 में से 5 गया 4, -4x / 5
इक्वल टू आपके पास आता है 32, तो माइनस 4x इज इक्वल टू 32 इंटू 5, राइट। और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 32 इंटू 5 अपॉन 4, राइट। और माइनस साइन ये यहाँ लग जाता है, 4 8 32 और 8 5 40, एक्स इज इक्वल टू माइनस 40। मतलब किस जगह पर फॉरेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल कंसाइड कर जाती है, माइनस 40, तो 0 डिग्री सेल्सियस तो माइनस 40 यहाँ पर आएगा, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर जगह पर यहाँ पर माइनस 40 डिग्री सेल्सियस हो रहा होगा और यहाँ पर माइनस 40 डिग्री फॉरेनहाइट हो रहा होगा, इस जगह पर स्केल क्या हो जाएंगे, कंसाइड कर जाएंगे। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन लेवल का क्वेश्चन है। द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी ऑन केल्विन स्केल इज फाउंड टू बी एक्स केल्विन। एक बॉडी है, उसका हमने टेम्परेचर नोट किया है कौन से वाले थर्मामीटर से, केल्विन वाले थर्मामीटर से। तो केल्विन वाले थर्मामीटर में हमने नोट किया है, तो वैल्यू कितनी दिखा रहा है, एक्स केल्विन, ठीक। When it is measured by Fahrenheit thermometer, अब हमने उसी बॉडी में Fahrenheit वाला थर्मामीटर डाल दिया है, it is found to be x degree Fahrenheit, ये Fahrenheit में भी x degree दिखा रहा है, तो अब बोल रहा है कि इस x की आप क्या करिए, वैल्यू बताइए, राइट। चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर। तो मेरे पास पहला फॉर्मूला क्या है, Kelvin is equal to degree Celsius plus 273, ठीक है। तो जब मैंने केल्विन स्केल से मेजर किया, टेम्परेचर कितना दिखा रहा है, x, तो मैं वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, तो x इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273, ये मेरे को बनती है पहली इक्वेशन नंबर 1, ठीक। दूसरा, जब मैंने इसको फॉरेनहाइट टेम्परेचर थर्मामीटर से नोट किया है, तो भी मेरे को x डिग्री फॉरेनहाइट दिखा रहा है, तो फॉरेनहाइट के लिए मैं क्या करूँगा, डिग्री फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, डिग्री फॉरेनहाइट में कितना मेजर किया, x इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, इसको इक्वेशन नंबर में क्या डालता हूँ, 2 डाल देता हूँ। तो मैंने क्या किया है, दो इक्वेशन मैंने अभी क्या कर दी है, बना ली है, ठीक है। अब देखिएगा, मेरे को वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, x की, वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी है, x की। तो क्या करेंगे, इनमें से कॉमन क्या है, डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए, इसको मैं यहाँ यूज़ कर लेता हूँ, तो अगर मैं डिग्री सेल्सियस यहाँ से निकालूँ, मतलब x केल्विन डिग्री सेल्सियस में कितना होगा, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 273, राइट। x माइनस 273, यहाँ से डिग्री सेल्सियस की वैल्यू को आप क्या कर दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, क्या कर दीजिए, या ये जो आपको मिला है डिग्री सेल्सियस, हालांकि मुझे एक्चुअली इसको ही इक्वेशन नंबर 1 देना था, मैं ये हटा देता हूँ, राइट। तो यहाँ से आप देखिए, मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालता हूँ, ठीक है ना, ये वाली इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये वाली 2 हो गई है। तो क्या करेंगे, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ डिग्री सेल्सियस From equation 1 in equation 2, हम क्या करें, equation 1 की वैल्यू को 2 में रखें जो डिग्री सेल्सियस वाली है, तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस की जगह मैं कितना रख दूं, x माइनस 273, और ये आ जाता है प्लस 32। इसको हम सॉल्व करते हैं, वैल्यू निकालते हैं x की, यही तो पूछा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 9/5 माइनस ये हो जाएगा 273 इंटू 9/5 और आ जाएगा आपके पास प्लस 32। ये वाला जो x वाले टर्म को हम इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा x माइनस 9/5 राइट इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, मैं यहाँ कर लेता हूँ, 273 इंटू 9, तो 9 3 27, 2 कैरी, 9 7 63 और 65, 9 2 18 और 18 और 6 24, 2 4 5 7/5 राइट। माइनस का है, ध्यान रखिएगा, माइनस का है,
और प्लस करेंगे 32। यहाँ से इधर पर x माइनस 9/5, तो ये हो जाएगा मेरे पास 5x माइनस 9x, 5x माइनस 9x अपॉन 5। एलसीएम ले लिया है, यहाँ पर क्या करेंगे सेम, यहाँ पर एलसीएम 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 2457 प्लस, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, तो 5 2 10, 1 कैरी, 5 3 15, 160। ठीक, ये आपको मिला है ये 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 ये, ठीक। 5 से तो 5 कट गया और इधर आपके पास क्या बचेगा, मैं थोड़ा इधर सॉल्व कर देता हूँ। 5 5 कट गया है तो आप इधर कर देता हूँ काफ़ी जगह, ठीक, यहाँ कर देता हूँ, ठीक। तो ये 5 5 कट गया है, यहाँ से आएगा आपके पास माइनस 4x इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो 2457 160, ठीक। तो ये हो जाएगा मेरे पास 2457 160। देखिए माइनस और प्लस का है तो हमें अल्टीमेटली माइनस करना पड़ेगा, तो 7 और 15 में से 6 गया 9, 3 में से 1 गया 2 और 2297, तो ये हो जाएगा 2297 और ये आएगा आपका माइनस का, ठीक है ये, और x की वैल्यू आ जाएगी 2, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 2297 अपॉन 4, तो 4 5 20 29, 4 7 28 और 17, 4 4 16, उधर 10 बचेगा 2, x की वैल्यू, ये रहा हमारे पास x, राइट। तो इस तरीके से आप जो है आंसर निकाल सकते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन जो है आपसे पूछ लिए जाते हैं। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं हम। द टेम्परेचर ऑफ बॉडीज, अगेन फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट, अच्छा क्वेश्चन है। द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 5 डिग्री सेल्सियस, किसी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री सेल्सियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ये आई थिंक मोबाइल में अलार्म बज गया है। चलिए, द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाय 5 डिग्री सेल्सियस, बॉडी का टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ रहा है। तो मान लेते हैं पहला किसी बॉडी का इनिशियल टेम्परेचर C1 था, राइट, और फाइनल टेम्परेचर क्या हो गया, C2 हो गया है, ठीक। पहला टेम्परेचर क्या था, C1 था और C2 हो गया है, तो टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 5 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर गया है। इसका मतलब है जो C2 माइनस C1 होगा वो होगा मेरे पास 5, राइट, C2 माइनस C1 मेरे पास होगा 5। देन ऑन द फॉरेनहाइट स्केल इट्स टेम्परेचर विल इंक्रीज बाय, अगर डिग्री सेल्सियस में किसी बॉडी का टेम्परेचर 5 डिग्री बढ़ता है तो फॉरेनहाइट स्केल में उसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, डिग्री फॉरेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। मैं क्या करता हूँ, जिस समय इसका टेम्परेचर C1 रहा होगा उस समय इसका टेम्परेचर F1 भी रहा होगा, ठीक है ना, राइट, और डिग्री फॉरेनहाइट F2, अब इसका टेम्परेचर बढ़ गया 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो उस समय 9/5 इसका टेम्परेचर जब C2 हुआ, राइट, डिग्री सेल्सियस में C2 हो गया तो इसका टेम्परेचर F2 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा मेरा 32। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब हम क्या करें, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करें, माइनस कर दें, तो ये हो जाएगा डिग्री फॉरेनहाइट माइनस, मतलब F2 माइनस F1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 9/5, आप इसको माइनस करेंगे तो 9/5 आपको आ जाएगा C2 माइनस C1, चेक कर लेंगे, 32 क्या हो जाएगा, कैंसिल। वैसे हमने खूब किया, ऐसे नहीं करते थे, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये हम इसमें से इसको माइनस करते हैं, F2 माइनस F1 हो जाएगा और इसमें से ये माइनस, तो 9/5 C2 माइनस C1, तो डिग्री फॉरेनहाइट F2 माइनस F1 इज इक्वल टू हो जाएगा 9/5 और मल्टीप्लाई बाय C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 कितना है, 5 काट दीजिए इसको, ठीक है ना। तो कितना चेंज इन डिग्री फॉरेनहाइट होगा, 9 डिग्री फॉरेनहाइट इतना चेंज होगा। मतलब किसी बॉडी का टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में 5 डिग्री बढ़ रहा है तो फॉरेनहाइट स्केल में वो कितना हो जाएगा, 9 डिग्री बढ़ते हुए नजर आएगा, ठीक है।
तो ये तो रही मेरी आज के लेक्चर की बात, आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। और बच्चों अगर आपको वीडियोस वगैरह अच्छे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। देखिए सब्सक्राइब और लाइक तभी करिए जब एक्चुअली में आप लाइक करें और एक्चुअली में आपसे आपको कुछ कंटेंट देखने को यहाँ पर मिले, अदरवाइज मत कीजिए। थैंक